अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिंग। तो सो आज हम करने जा रहे हैं कैमरा का रिव्यू Realme 3 Pro का। Realme 3 Pro के कैमरे को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप है, तो आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि Realme 3 Pro का कैमरा कैसा काम करता है। हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। फ्रंट साइड की नॉच में आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, कोई भी डेडिकेटेड फ्लैशलाइट नहीं मिलती। स्क्रीन की लाइट जो है वो काम करेगी फ्लैशलाइट का, और यहाँ फ्रंट वाले कैमरे में कोई भी आपको स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, किसी किस्म का भी आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। अब बात फ्रंट कैमरा की होगी, तो रियर कैमरा की बात करते हैं। तो रियर साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल वाला सेंसर जो है वो सोनी IMX519 को लगाया गया है, और ये वही सेंसर है जो कि आपको OnePlus 6 में भी मिलता है। या रियर वाला जो प्राइमरी सेंसर है 16 मेगापिक्सल का, इसमें आपको जायरो की सपोर्ट भी मिल जाती है, EIS की भी सपोर्ट मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। रियर वाला कैमरा 4K की भी रिकॉर्डिंग करता है, स्लोमो 720p के पिक्सल्स के साथ 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो देखते ये हैं कि स्लो मोशन कितना बेहतर निकलता है, स्लोमो कितना बेहतर निकलता है, 4K की वीडियो कैसी निकलती है और पिक्चर्स कैसी आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Realme 3 Pro के फ्रंट कैमरा से, जो कि 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। यहाँ अपर्चर रखा गया है 2.0, डे लाइट है मेरे पास, और यहाँ आपको फ्रंट साइड पर कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। तो थोड़ा सा तेज चल के देखते हैं कि यहाँ हमें स्टेबलाइजेशन इस फॉर्म में क्या मिलती है। और इस टाइम मेरे पास है मोबाइल स्क्रीन, आपको स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़े से शेकी इमेज आ रहे हैं, और यहाँ सनलाइट भी मेरे चेहरे पर आती है, और डायनामिक रेंज का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फ़ोन की डायनामिक रेंज कैसी है। और साथ ही साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइक्रोफोन की क्या यहाँ पर आपको जो वॉइस है वो कैसी मिल रही है, और 1080p 30fps पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे इस टाइम मोबाइल स्क्रीन पर काफ़ी बेहतर लग रहा है इमेज। आपको कैसा लग रहा है Realme 3 Pro का फ्रंट कैमरा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल स्टेबलाइज्ड इमेज इतना नहीं कहूँगा, थोड़े से शेकी इमेज है, लेकिन ओवरऑल सेचुरेशन काफ़ी बेटर है, कलर्स को काफ़ी ब्राइट कर रहा है। इवन अगर जो शर्ट का कलर देखा जाए तो उसको जो ओरिजिनल कलर है वही इसी टाइम दिखा रहा है, और यहाँ कोई भी ब्यूटी मोड नहीं इस्तेमाल किया गया, टोटली ओरिजिनल सेटिंग्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी बॉडी ब्यूटी इफेक्ट को ऑन नहीं किया गया। स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी नॉर्मल है, बाकी 30fps पर टोटली ऑल ओवर बैलेंस काम कर रहा है। अब माइक्रोफोन की क्वालिटी का आपने अंदाज़ा लगाना है, फिलहाल Realme 3 Pro का जो माइक्रोफोन है वो इस्तेमाल हो रहा है। बाकी अब चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ और देखते हैं कि हमें रियर कैमरा में कैसी वीडियोग्राफी या कैसी वीडियो की क्वालिटी मिलती है। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Realme 3 Pro के रियर कैमरा से। यहाँ आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, अपर्चर 1.7 का मिलता है, और यहाँ आपको जायरो की सपोर्ट भी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की भी सपोर्ट मिल जाती है आपको इस फ़ोन में। और यहाँ थोड़ा सा तेज चल के देखते हैं क्या स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, और इमेज काफ़ी स्टेबलाइज है, इवन कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, और कलर सेचुरेशन भी काफ़ी है, इवन एज डिटेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है। और यहाँ डायनामिक रेंज की बात करें तो इस टाइम मुझे मेरे पास है मोबाइल स्क्रीन, आपको बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या काम कर रही है डायनामिक रेंज। और अगर फोकसिंग की बात कर लें इस फ़ोन की, तो यहाँ हम इसको फोकस करके देख लेते हैं कि इसका ऑटो फोकस कैसा काम करता है। तो यहाँ फोकस को चेक करते हैं, फोकस फौरन लॉकआउट कर लेता है, बिल्कुल नैनो सेकंड्स के अंदर फोकस लॉकआउट कर लेता है। और यहाँ अगर बात की जाए, दोबारा हाथ को फोकस करके देखते हैं, तो यहाँ जो फोकसिंग है वो आपको फौरन फोकस होता हुआ मिल रहा है ऑब्जेक्ट, और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, फोकसिंग काफ़ी बेहतर है। और यहाँ डेप्थ सेंसर इस्तेमाल किया गया है 5 मेगापिक्सल का, लेकिन वीडियो के अंदर कोई भी डेप्थ सेंसर इस्तेमाल नहीं होता, आप सब जानते हैं। यहाँ आपको जो पिक्चर रेजोल्यूशन है वो डेप्थ सेंसर के साथ मिलेगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज मिल रहा है इमेज। आपको कैसा लग रहा है Realme 3 Pro का कैमरा? यहाँ माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी मिल रही है। 1080p 30fps पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सेचुरेशन मिल रही है, फोकसिंग काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, और यहाँ डायनामिक रेंज भी जो है वो काफ़ी बेहतर है, और यहाँ स्काई का कलर भी आपको बहुत बेहतर नज़र आ रहा होगा, इवन सेचुरेशन काफ़ी बेटर दे रहा होगा। सो आपको कैसा लगा Realme 3 Pro का कैमरा? मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने पिक्चर्स की तरफ और बात करते हैं कि हमें इस फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी कैसी मिलती है। सो चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ। अगर बात की जाए सेल्फी की, तो ये नॉर्मल मोड में खींची गई है, काफ़ी बेहतर निकल कर आई है डे लाइट में। और अगर इस पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ ब्यूटी मोड मैंने ऑन किया था, और यहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें रेजोल्यूशन मिल रही है, और पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन भी मुझे प्रॉपर मिला, कहीं कहीं थोड़ा सा नॉइस मिला, बहरहाल वेरिएबल है। और अगर बात की जाए इस पिक्चर की, तो यहाँ भी पोर्ट्रेट मोड काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया।
ये नॉर्मल मोड में ली गई है रियर कैमरा से पिक्चर। डायनामिक रेंज काफ़ी बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा कलर सेचुरेशन पर काम करना चाहिए रियलमी 3 प्रो को। और पोर्ट्रेट भी रियल से काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल कर आया, और ये एक पोर्ट्रेट मोड खींचा है मैंने, काफ़ी डिटेल पिक्चर निकल के आई ऑब्जेक्ट की। AI बेस्ड कैमरा है, ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का फोकस कर लेता है। और अगर बात की जाए शॉट की, तो ये माइक्रो शॉट लिया गया है, और यहाँ थोड़े से कलर ब्लोन आउट कहूँगा मैं, पर अनसेचुरेटेड नजर आए। और डायनामिक रेंज की बात की जाए तो ये टोटली एक अच्छा फ्रेम साइज देता है, डायनामिक रेंज देता है। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Realme 3 Pro के रियर कैमरा से। 4K के ऊपर ये ऑप्शन रखी गई है, यहाँ 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ अगर स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लगाया जाए तो हमें 4K में थोड़े से शेकी इमेज मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 1080p 30fps। 30fps पर हमें कोई भी शेकी इमेज नहीं मिला। मैं थोड़ा सा तेज़ चल के दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 4K में हल्का सा आपको शेक मिलता है इमेजेस में। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो फ्रेम पर सेकंड है वो इस फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, बट 4K में हल्का सा शेकी इमेज नज़र आएगा जो कि हमें 1080p 30fps पर नहीं मिला। और यहाँ आपको माइक्रोफोन की भी क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो स्लो मोशन को टेस्ट करते हैं, इसका सुपर स्लोमो 720p फ्रेम पर सेकंड पर कैसा काम करता है। ओके जी दोस्तों, नाइट मोड इंडोर लाइट्स में है, लाइट्स मैंने ऑफ़ की, और मैंने ये कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि अगर बहुत ज़्यादा डार्क मोड है तो उस पर Realme 3 Pro का फ्रंट कैमरा कैसा काम करता है। यहाँ आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं मिलती वीडियोज़ के मोड पर। स्क्रीन की जो इस टाइम मोबाइल की स्क्रीन की लाइट है वही मेरे चेहरे पर पड़ रही है, और यहाँ फ्लैश लाइट नहीं है फ्रंट लाइट पर, काफ़ी ज़्यादा नॉइस नज़र आ रहा है। तो हम लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, फिर आपसे करते हैं बात। सो लाइट्स ऑन। सो यहाँ लाइट्स ऑन हो गई है, थोड़ा सा वार्म टोन नज़र आ रहा है, एनवायरनमेंट भी इस टाइम थोड़ा सा गर्म है, मींस के वेदर जो है वो गर्म है, लेकिन थोड़ा सा आपको वार्म टोन नज़र आएगा इंडोर लाइट्स में, थोड़ा सा नॉइस नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आपको इंडोर लाइट्स में स्टेबलाइजेशन कैसी मिलती है फ्रंट कैमरा में। तो यहाँ आपको स्टेबलाइजेशन फ्रंट लाइट पर तो कोई भी नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा सा शेकी इमेज मिल रहा है जैसा कि मैं डे लाइट में मिला। और माइक्रोफोन का भी क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर आपको कैसी मिल रही है। मैं थोड़ी सी लाइट्स को ज़्यादा ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि अगर हमारे पास शार्प लाइट है किसी कमरे में तो हमें इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी मिलेगी। तो लाइट्स को दोबारा ऑन करते हैं, और यहाँ लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम क्या काम कर रहा है। मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है इसकी स्क्रीन पे वीडियो क्वालिटी, थोड़ी सी शेकी इमेज है, बाकी डायनामिक रेंज और एक्सपोजर जो है इस फोन का फ्रंट कैमरे का मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Realme 3 Pro के रियर कैमरा से। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहाँ आपको 1.7 का अपर्चर मिलता है। इस टाइम लाइट्स मेरे पास ज़्यादा ऑन है, और डेडिकेटेड फ्लैश लाइट भी मिलती है, लेकिन मैं पहले लाइट्स आपको बंद करके दिखाऊंगा कि इसकी जो फ्लैश लाइट है वो कैसे काम करती है। उसके बाद हम फोकस को भी चेक करेंगे और माइक्रोफोन की टेक्नोलॉजी को भी चेक करेंगे कि यहाँ कैसे काम कर रही है। तो यहाँ हम फ्लैश लाइट को करते हैं ऑन और हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ आपको फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन मिल रही है, रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस फ्लैश लाइट की। और इसके रियर कैमरा में आपको EIS की सपोर्ट भी मिलती है और जायरो की सपोर्ट भी मिलती है। तो यहाँ आपको स्टेबलाइज्ड तो इमेज मिलेगा, मैं थोड़ा सा तेज चल के दिखा देता हूँ। इमेज काफ़ी स्टेबलाइज्ड है, 1080p 30fps पर डे लाइट में भी हमने रिकॉर्डिंग की, नाइट मोड पर भी हमने 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग की है। अब हम अगर फोकस की बात कर लें तो नाइट मोड का फोकस चेक कर लेते हैं। हम अपनी वॉच को फोकस करके देखते हैं ये फ़ोन नाइट मोड में कितनी जल्दी फोकस को लॉकआउट कर लेता है। तो यहाँ फ्लैश लाइट ऑन है लेकिन फोकस फौरन कर लेता है ये फ़ोन। फ्लैश लाइट को ऑफ करके हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। बहरहाल बहुत बैलेंस कैमरा है रियर वाला, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सोनी का IMX512 मिलता है आपको, ये वही सेंसर है जो कि आपको 1+6 और 6T में देखने को मिला। तो यहाँ आपको एक मिड अपर रेंज के फ़ोन के साथ मिल रहा है, तो एक प्लस पॉइंट कहूँगा इसके रियर कैमरा को। आपको कैसी लग रही है सैचुरेशन, और आपको कैसी लगी आज की वीडियो, आपके लाइक से मुझे बता देंगे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इंडोर लाइट्स की, पिक्चर्स की, कि हमें नाइट मोड में या इंडोर लाइट्स में इस फ़ोन के अंदर हमें पिक्चर रेजोल्यूशन कैसे मिलती है। तो चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ।
ओके जी, बात की जाए इंडो लाइट कंडीशन की, काफ़ी ज़्यादा सेचुरेटेड नज़र आई, ब्यूटी मोड में खींची गई पिक्चर है। और अगर पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो जैसे डे लाइट में हमें अच्छा एक रिजल्ट मिला, वैसा ही हमें नाइट मोड में मिला। और यहाँ लाइट मेरे पास बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रेजोल्यूशन दी इसका फ़ोन ने। हालांकि हमारे पास दूसरे फ़ोन भी थे सियागा पर, तो बिलाल भाई के साथ भी पिक्चर खींची और अमीर भाई के साथ भी खींची। और ग्रुप फोटो की बात की जाए तो यार फ्रेम साइज़ भी बहुत अच्छा नज़र आया, थोड़े से नॉइस नज़र आते हैं नाइट मोड में। और रियर साइड की अगर इंडोर लाइट की पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो काफ़ी डायनामिक रेंज बेहतर है, डिटेल काफ़ी बेहतर है, आपको सारी ही पिक्चर्स इसकी बेहतर मिलेंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा लाइट बैलेंस ना हो, ये क्रोमा बूस्ट में खींची गई पिक्चर है, थोड़ा सा कलर्स को डिस्टर्ब कर देता है। अदरवाइज ये फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली AI बेस्ड कैमरा, काफ़ी बेहतर काम करता है। ओके जी, मुझे Realme 3 Pro का कैमरा काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इम्प्रूवमेंट नज़र आई मुझे Realme की कैमरा सेंसर्स में। और यहाँ रियर वाला कैमरा तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज नज़र आया। आपको कैसा लगा Realme 3 Pro का कैमरा रिव्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और किसी और फ़ोन का अगर कैमरा कंपेयर करना चाहते हैं आप Realme 3 Pro के साथ, वो भी सजेस्ट करें, एज सून एज पॉसिबल आपको कैमरा रिव्यू भी अब मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो एंड करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास 5X से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।